आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी इंडियन बैटल रॉयल गेम है जो आगे जाके जो है हमें ई स्पोर्ट और टूर्नामेंट्स वगैरह जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आता है वैक्स मोबाइल, स्कारफॉल, अंडरवर्ल्ड गैंगवॉर्स, इंडस एंड एक्सेट्रा। क्या बात, ये बात है। Hey guys, what's up, क्या हालचाल है, कैसे चल रहा है आप सभी के गेमिंग एंड सभी के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखो गाइस, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे इंडियन गेम्स आ रहे हैं लाइक अंडरवर्ल्ड गैंगवॉर्स, इंडस, वैक्स मोबाइल, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेम की डेवलपमेंट क्वालिटी और गेम के ऊपर में किस तरह से काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है या फास्ट काम कर रहा है, वो देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे। सो हमारे ई-स्पोर्ट लेवल का पहला गेम है गाइस अंडरवर्ल्ड गैंगवॉर्स। इसको पहला नंबर पे रखने का गाइस बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात, इनकी ट्रेलर आप लोग देख सकते हैं HD क्वालिटी में, एकदम प्रोफेशनल लुक देता है। इनकी वेबसाइट को आप लोग देख सकते हैं गूगल में जाके underworldgangwars.com, उसमें भी आप लोगों को 3D रेंडर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक अंडरवर्ल्ड गैंगवॉर का मैप वगैरह को आप लोग 3D रेंडर करके देख सकते हैं। इनके कपड़े वगैरह को भी आप लोग 3D रेंडर वगैरह करके देख सकते हैं। गेम जो है अनरियल इंजन से बनी है और अनरियल इंजन में गाइस कैरेक्टर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मस्त होते हैं अगर डेवलपर्स लोग अच्छी तरह से डेवलप करते हैं तो। लाइक आप लोग पबजी वगैरह देख रहा होगा, पबजी वगैरह का कैरेक्टर जो है एकदम रियल जैसा दिखता है। रिसेंटली आप सभी लोग ने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर किया था, ड्रोन शो वगैरह किया था, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर में जो है इन्हीं गेम की एड्स चलता है, जिनसे हमें ये पता चलता है कि गेम डेवलपर्स के पास में पैसे बहुत ज्यादा है। और गाइस महम स्टूडियो को ये गेम बनाने में MPL की तरफ से फंडेड है, तो आप लोग सोच सकते हैं MPL कितना बड़ा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वो तो आप सभी लोग जानता होगा। गेम को जो है इन लोगों ने कब बनाया उसकी हमें भलक तक लगने नहीं दिया। अभी गेम प्री रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर किया, जिससे हमें ये लगता है कि गाइस हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि गेम के ऊपर में बहुत ही ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो मुझे आगे जाके लगता है कि यही एक पहला प्रोफेशनल ई स्पोर्ट कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं अंडरवर्ल्ड गैंगवॉर्स गेम, क्योंकि इन लोगों की एक एक चीज गाइस एकदम प्रोफेशनल नेक्स्ट लेवल पे है। आगे और भी बताएंगे गाइस, और भी गेम्स आ रहे हैं, सबर करो आप लोग। तो आप लोगों की क्या राय है इस गेम के ऊपर में आप लोग एक दो शब्द में कमेंट में जरूर बताएं। सो हमारे सेकंड नंबर पे आता है गाइस फाइनली स्कारफॉल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ स्कारफॉल के यूट्यूबर्स को। जी हाँ, सही सुना आपने, जितने भी स्कारफॉल के ऊपर में वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, मैं आप सभी लोग को एक चीज एकदम रियलिटी ट्रूथ बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है। ये सभी यूट्यूबर्स लोग एक्सेप्ट करें इस चीज को जो भी स्कारफॉल के ऊपर में ये वीडियोस बनाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स है ना गाइस स्कारफॉल के ऊपर में जो वीडियोस बना रहे हैं अभी तक, उनकी ये फेवरेट गेम बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं ये दावे से कह सकता हूँ उनके फोन में अलग कोई भी गेम होगा, BGMI होगा या जो भी अलग गेम होगा, एपेक्स लेजेंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्कारफॉल गेम को ऐसे फेवरेट गेम नहीं खेलता है। ये बात मुझे पता है, मेरे भी ये फेवरेट बोल के बिल्कुल नहीं है, मैं आप लोगों को ये सच बता रहा हूँ। अगर आप स्कारफॉल के कुछ लवर है तो मुझे बुरा मत मानना, ये एक रियलिटी है और ये सभी यूट्यूबर्स एक्सेप्ट कर गए, मुझे पता है ये चीज। ये सभी यूट्यूबर्स की फेवरेट गेम नहीं है, कोई भी इसे दिल से खेलना नहीं चाहता है, लेकिन बस वो कंटेंट बना रहे, वीडियोस बनाते हैं इस गेम के ऊपर में, इसीलिए जो है वो वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, और बाकी आप समझ ही रहे होंगे। स्कारफॉल डेवलपर्स एक्सकोड की तरफ से ये कहना है कि स्कारफॉल में एक मेजर अपडेट नाम से एक अपडेट आएगा, जिसके बाद जो है गेम पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, इसीलिए जो मैं इस गेम को सेकंड नंबर पर रख रहा हूँ। मेजर अपडेट में यही चीज चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, एक नूब से प्रो गेम बनाना पड़ेगा इन लोगों को। अब लोग देखे होंगे हर रियल प्लेयर आता है एक मैच के अंदर में 30 किल ले जाता है, 25 किल्स ले जाता है, लेकिन 20 से कम किल तो कोई लेकर नहीं जाता। अगर वो कुछ ज्यादा ही नूब है तो वो शायद मर जाता होगा किसी एक प्रो प्लेयर के हाथ में, क्योंकि इसमें 40 प्लेयर आता है क्लासिक बोर्ड के अंदर में, 40 में से 30% लोग बॉट्स होते हैं, तो ये चीज फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो इससे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि गेम के अंदर में कंपटीशन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को 30 किल मिल रहे हैं, 25 किल्स मिल रहे हैं, 24 किल मिल रहे हैं। तो देखते हैं मेजर अपडेट आने के बाद गेम जो है किस तरह से चेंज हो जाते हैं वो देखते हैं। बाकी मुझे तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है इस गेम के ऊपर में ई स्पोर्ट वगैरह को लेकर के, फिर भी जो है मैं इसको सेकेंड नंबर पर रख रहा हूँ। सो हमारे लास्ट नंबर पे गाइस वैक्स मोबाइल। ये गेम गाइस हम सभी लोगों को फेवरेट मन को देखने के लिए मिल जाना था, लेकिन डेवलपर्स लोगों ने हटा दिया उसे। एक टाइमर चल रहा था इन लोगों की वेबसाइट पे, जो कि फेवरेट मन पे हम सभी लोगों को गेम देखने के लिए मिलना था, लेकिन इन लोगों ने अपनी टाइमर को हटा के जो है अपनी वेबसाइट को कुछ अलग ही इमेज पे अपडेट कर दिया है। अब वैक्स मोबाइल गाइस बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है और इसको बनाने के लिए अनरियल इंजन 4 का इस्तेमाल किया गया है, और इस साल तक तो हमें वैक्स मोबाइल देखने के लिए मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गाइस जब ये वैक्स मोबाइल लॉन्च हो जाएगा ना, तो ज्यादा देरी नहीं होगा ई स्पोर्ट वगैरह या टूर्नामेंट्स वगैरह कराने के लिए, डेवलपर्स के लिए गेम को अच्छी तरह से बना के गेम को लॉन्च करके जल्द से जल्द ज्यादा समय ना लेकर के जो है अगर वो लोग टूर्नामेंट्स वगैरह एकदम अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से वो लोग कराते हैं, तो ई स्पोर्ट इस गेम के ऊपर में बन जाएगा, ई स्पोर्ट कम्युनिटी बन जाएगा इस गेम के ऊपर में। क्योंकि गाइस ये गेम थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ पबजी मोबाइल या BGMI से रिलेटेबल है, क्योंकि इसमें अनरियल इंजन 4 का इस्तेमाल किया गया है, तो करेक्टर्स वगैरह और ओवरऑल शूटिंग वगैरह में आप लोगों को पबजी या BGMI का थोड़ी बहुत फील देगा आप सभी लोग को।
तो ये था गाइस हमारे टॉप 3 इंडियन गेम्स जो कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट कम्युनिटी बिल्ड कर सकता है। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को इन तीनों गेम्स में से कौन सा ऐसा गेम लगता है जो सबसे पहले ई स्पोर्ट कम्युनिटी बनाएगा। इंडस गेम को मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो अभी शोकेस रिवीलिंग पे चल रहा है और उनकी कोई भी तरह की ऑफिशियल ट्रेलर वगैरह भी नहीं आया, तो इस गेम को आने में और बनाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए जो है मैंने इंडस गेम को कवर नहीं किया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना गाइस इन तीनों गेम्स में से आप लोगों को कौन सी ऐसा गेम लगता है जो सबसे पहले इंडिया के पहला बैटल रॉयल गेम के ऊपर में ई-स्पोर्ट कम्युनिटी बना सकता है। तो जरूर से कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।